हेलो माय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ZR टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन हीट होता है या आपका फ़ोन हैंग होता है तो आप उसको किस तरह से ठीक करते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को, पूरा वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ZR टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें और ऑल प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक एडवाइस दे देता हूं। दोस्तों, अगर आप एक गेमर हैं, आप गेम खेलते हैं या आप अपना फ़ोन ज़्यादा देर तक के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आप ऐसे में अपने फ़ोन का बैक कवर यूज़ करते हैं तो आप देर तक फ़ोन जब भी यूज़ करें तो अपना बैक कवर रिमूव कर दें। उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की जो एयर है वो रिमूव रिलीज होने का आपके फ़ोन को मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ज़्यादा हीट अप होने से बचेगा। और दोस्तों, इसके बाद चलिए हम अपनी चलते हैं वीडियो पर, जिसकी आपको इस सेटिंग करने के बाद आपको फ़ोन ना तो ज़्यादा क्या हैंग ही नहीं होगा और दूसरी बात हीट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सेटिंग में चलना है। चलते हैं हम अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है कि अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो ऑन कर लें, और अगर ऑन हो तो रहने दें। मैं आपको बता देता हूं आपको पता कैसे लगेगा कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन है या नहीं। आपको सबसे नीचे अबाउट फ़ोन में जाना है और फ़ोन में जाने के बाद यहां बिल्ड नंबर लिखा हुआ आता है, आपको बिल्ड नंबर पर 7 times जल्दी जल्दी क्लिक करना है। अगर आपका वो नहीं होगा तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा तो जैसे मेरा दे रहा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, ये आपको बता देगा कि आपका डेवलपर ऑलरेडी ऑन है। तो मेरा ऑन है, आपका नहीं हो तो आप इसको ऑन कर लें 7 times जल्दी जल्दी बिल्ड नंबर पर क्लिक करके। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिल्ड नंबर को, बिल्ड ऑप्शन को सर्च कर लेता हूँ, सॉरी डेवलपर ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। ये मेरा डेवलपर ऑप्शन आ गया है। इसमें मुझे नीचे स्क्रॉल करना है धीरे धीरे, और यहाँ पर जब हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मीडिया का, ऐप्स का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट राइट कॉर्नर में ऐप्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये डू नॉट कीप एक्टिविटीज़ वाले ऑप्शन को जो है, अगर आपका ऑन हो, जैसे ये इन इस टाइम इनेबल है, अगर आपका ये ऑन हो तो आप इसे ऑफ़ रखें, और अगर आपका ऑफ हो तो आप उसको ऑफ ही रहने दें। और दूसरा, आपको उसके नीचे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, दोस्तों ये कीप डू नॉट कीप एक्टिविटीज़ वाला जो ऑप्शन है, इससे क्या होगा कि जब आप इसको ऑन ऑफ़ रखेंगे या तो इससे ये होगा कि जब आप अपना, जैसे आप WhatsApp यूज़ कर रहे हैं और आपको एकदम जो है वो आप मिनिमाइज़ करके उसको Instagram पे चले जाते हैं, तो होता ये है एंड्रॉयड फ़ोनों में ज़्यादातर के उधर WhatsApp भी रनिंग में रहता है और उधर आप जो Instagram रनिंग कर रहे हैं वो भी रनिंग में रहता है, जिसकी वजह से फ़ोन के प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड आता है और फ़ोन आपका हैंग होने लगता है। तो इस ऑप्शन से अगर ये बंद होगा तो ये होगा कि आपका जो एक्टिविटी, जिस ऐप को आप यूज़ कर रहे होंगे सिर्फ वही ऐप एक्टिविटी करेगा, बाकी के चाहे वो मिनिमाइज हुए हुए हों या चाहे वो मिनिमाइज़ नहीं हुए हुए हों, वो बाकी के और ऐप जो बैकग्राउंड में होंगे वो खुद ही ऑफ रहेंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये जो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड वाला, इसमें क्या होगा, इस जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस। इसमें भी यही होगा कि अगर आपका क्या नाम है, पीछे के जो ऐप हैं वो खुद ब खुद एक्टिविटी, जो फ़ोन में खुद ब खुद एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जंक फाइल खुद ब खुद बन जाती हैं, उससे आपका फ़ोन सेफ़ रहेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन वायरस से और हैंग होने से बिल्कुल महफूज रहेगा। तो ये थी आज की सेटिंग है, इसको आप नो बैकअप प्रोसेस पे रखें। और दोस्तों, ये होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोस्तों जो फ़ोन में हमारे वायरस वगैरह हो जाता है उसके लिए सबसे बढ़िया जो आपको चाहिए, आप प्ले स्टोर ओपन करें, अपना प्ले स्टोर आप ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है नॉक्स क्लीनर। जो है दोस्तों, यह वाला ऐप जो है वो सबसे बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद भी जो हूँ नॉक्स क्लीनर यूज़ करता हूँ। ये हमारी बूस्ट जो है क्या नाम है, मैं इस अपनी आप इससे अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, और क्या नाम है, अपनी फालतू की जो जंक फाइल होती रहती हैं उनको आप डिलीट करते रहिए। इसका तरीका ये होता है कि जब आप अपना फ़ोन जब भी यूज़ करें या उसको रख रहे हो तो एक बार अपने फ़ोन को क्लीन अप ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये तो आज की ये वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप बताए हैं और कुछ सेटिंग बताई है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन को हीट अप होने से
बचा सकते हैं और हैंग होने से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।